पैरों के लायक है ये रास्ता, सिर्फ यही चल सकती है यहाँ पे, बाकी तो नहीं। और ये देखिए काफी अच्छी बर्फ पड़ी यहाँ पे, कैमरे को देख के डर जाते हैं। ये सेब के पेड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए बुलडोजर के टायर के निशान, शिमला यहाँ से 28 और मशोबरा 18। तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमें पैदल। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज एक बार फिर मैं चल पड़ा हूँ पैदल अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ चुकी है। शिमला यहाँ से 28 और मशोबरा 18, ये भलखू रोड है। और ये नीचे सामने जो आपको दिख रहा है वो हमारा गांव है, जो हरी हरी छतें दिख रही है। अब यहाँ से जाना पड़ेगा हमें पैदल, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। कुछ गाड़ी आ भी रही है नीचे से, जिप्सी वगैरह, सिर्फ यही चल सकती है यहाँ पे, बाकी तो नहीं। बाकी के साथ थोड़ा रिस्क रहता है। और ये ऊपर वाला भलखू रोड है और नीचे वाला खलासी वाला है। और ये देखिए काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी यहाँ पे, और धूप और बादल की वजह से ये काफ़ी गल चुकी है। यहाँ पे देखिए बच्चे स्की करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तब करना जब मैं आऊँगा, रुक जा। और ये देखिए कैमरे को देख के डर जाते हैं, जैसे कि कैमरा इन्हें खा जाएगा। और ये पहले इस बोरी पर चढ़ गए थे, इस बोरी पर चढ़ के इन्होंने यहाँ से नीचे जाना था। और ये बच्चे शर्माते बहुत है, देखिए अपने सिर को ढक के चल रहे। अरे जल्दी कर यार, जल्दी करो ना, एक ट्रायल देखता हूँ मैं। अरे एक ट्रायल तो देख लेता हूँ, गो। और ये देखिए चला हुआ है बहुत ही स्लो। मैंने सोचा यार स्पीड में जाएगा तू। अभी हम बना रहे थे जस्ट। अरे डबरा नहीं तुम्हारे पास? डबरे में बैठ के जाओ यहाँ रोड से, उड़ के। तो क्या हो गया, शॉर्टकट आ जाना। और ये देखिए बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब तुम दोनों इकट्ठे जाओगे, चलो स्टार्ट, एक्शन। ये बिना किसी प्रैक्टिस के चले हुए हैं। एक्चुअली बोरी पे अभी ये बर्फ बिल्कुल सॉफ्ट है, जिस वजह से ये स्लिपी नहीं है। और ये देखिए बर्फ काफी सारी पड़ी यहाँ, देखिए ऊपर तक हमारे दिख रहा है काफी साफ। और ये तुम्हारे दोस्त भी आ गए दोनों, और ये भी देखिए बर्फ में खेलने आ गए दोनों। और ये देखिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये मैं भी आऊं ऐसे बोल रहा है। तो यहीं पे कई लोगों ने पर्सनली रोड को बुलडोजर से साफ करवाया, जैसे यहाँ दिखे नीचे के लिए इन्होंने साफ करवा दिया। और ये तो था ही रोड, यहाँ पे तो सरकारी बुलडोजर लगता ही है। तो चलने के लिए काफी खराब है वैसे, अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12 से भी ज्यादा हो गया वैसे तो टाइम। पर इस टाइम ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, बर्फ गल जाती है धूप में, स्लिपरी नहीं रहता ये। और जैसे आगे कुछ पॉइंट होंगे जो बहुत खराब होंगे, देखिए इस तरीके से बुलडोजर ने यहाँ से मिट्टी निकाली और यहाँ पे फेंक दी। बर्फ बच गई, वो ज़्यादा इसको नीचे गहराई में टच नहीं कर सकता, नहीं तो रोड उखड़ जाती है। इस वजह से वो थोड़ा सा गैप रखते हैं, अब उस गैप के बीच जो बर्फ है और बर्फ के ऊपर फिर डाल देते हैं मिट्टी। गाड़ियों को ग्रिप मिल जाता है चलने के लिए, और मैं बॉटल को किक मारते मारते चल रहा हूँ। और ये ऊपर भलखू रोड जो मैं आपको बता रहा था, मैं तकरीबन शिमला से 10 दिनों के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन पहले ही कहीं मौसम ख़राब जैसा हुआ था। तो मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शिमला ही ना आ पाऊँ, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी की है। तो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो चलो मिट्टी काफ़ी अच्छी डाल दी यहाँ पे, जिस वजह से गाड़ियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी ये देखिए यहाँ से दिख रहा है बेखल्टी का व्यू, काफ़ी अच्छा है। जहाँ धूप लगती वहाँ पे तो बर्फ देखिए काफ़ी साफ़ हो चुकी है, पर यहाँ धूप नहीं लगती, जिस वजह से यहाँ पे बर्फ हटेगी नहीं आसानी से। और ये देखिए इस तरीके से बर्फ़ का ढेर इन्हें रोड पे रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स लगे हुए थे ये देखिए रोड के साइड में, तो इसकी वजह से बुलडोज़र बर्फ़ को नीचे नहीं फेंक पा रहा, ना ये इसके ज़्यादा क्लोज जा पा रहे वो। और ये नीचे रोड दिख रही है आपको, काफ़ी सारी बर्फ़ है वैसे, ये तकरीबन 2 फीट के आसपास थी जो पहले थी, अब तो मेरे ख्याल से रोड के किनारे ज़्यादा दिख रही है, फिर भी ये 1.5-1.5 फीट तो है अभी भी। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है बागीचों के लिए, बागवान तो हम सारे खुश हैं कि बर्फ़ अच्छी पड़ गई, जिस वजह से नमी अच्छी रहेगी। और नॉर्मल लोगों को भी बहुत खुशी रहेगी, क्योंकि पानी की कमी नहीं रहती गर्मी के दौरान। अगर बर्फ़ कम पड़े तो पानी की कमी रहती है गर्मियों में, उससे थोड़ा सा निजात मिल जाएगी। अब मुझे ऊपर बेखल्टी में रास्ते से लिफ्ट मिल गई थी जिप्सी, तो मैं नीचे घर के पास पहुँच गया हूँ। और ये देखिए बुलडोज़र के टायर के निशान, क्या बढ़िया ग्रिप बन जाता है उसका, जिस वजह से ये फिसलता नहीं है इसमें। और ये देखिए रोड बुरे हाल थे रोड के, मैं एक्चुअली पीछे की तरफ बैठ रहा था जिप्सी में, तो मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पाया।
अब यहाँ से जाना होता है हमने पैदल ऊपर। एक्चुअली ऊपर से भी रोड है पर वो ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए मैं यहीं पे उतरा गाड़ी से। और काफ़ी दिनों से लगभग बादल ही आसमान में, तो जब क्लाउड होते हैं तब बर्फ़ जल्दी गलती है, पिघलती है और धूप में कड़क हो जाती है। ये सेब के पेड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए बर्फ़ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से पैदल रास्ता जो कि काफ़ी बर्फ़ कड़क है, साइड की थोड़ी सॉफ्ट है, फिर भी इसमें स्किट होते हैं अगर बहुत तड़के सुबह या फिर काफ़ी शाम को आए। रात को तो फिर ये बिल्कुल ही कड़क होके शीशा बन जाता है जिसमें चलना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। इस तरीके से ऐसे करके हमने आगे को निकलना है। और यहाँ बच्चे ऊपर आए हुए स्की करने की पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ ऊपर से देखूँ तो आपको बिल्कुल वाइट दिखेगा नीचे सारा। खासकर ऐसे ऐसे पॉइंट पे दिक्कत होती है कि बिल्कुल ही हमारे पैरों के लायक है ये रास्ता, तो हमें तो चलो आदत है यहाँ चलने की, पर अगर कहीं गलती से भी किसी का पैर थोड़ा सा भी कहीं साइड में हो जाए, जैसे कि ऐसे ऐसे पॉइंट पे, ये देखिए फिर ये बिल्कुल ही नीचे जा सकता है। अभी सॉफ्ट है ये, उड़ाने में मज़ा आ रहा है। और हमने जो घर बनाया वो धूप की तरफ बनाया है, उसका ये फ़ायदा होता है कि सर्दियों में काफ़ी आराम मिलता है, ठंड कम होती है, धूप लग जाती है जिस वजह से घर गर्म हो जाता है और वहाँ पे बर्फ़ भी जल्दी गल जाती है। तो इसलिए पहाड़ों में जितने भी लोग होंगे लगभग सारे घर अपना कोशिश करते हैं कि धूप की तरफ ही बनाया जाए जहाँ धूप ठीक लगती हो। और ये देखिए मेरे घर के पास अभी भी तकरीबन आधा फीट बर्फ़ बची हुई है, यहाँ पर धूप नहीं लगती है जो ये वाला पोर्शन है। और ये देखिए रास्ता ऐसे ख़राब है और यहाँ धूप नहीं लगती जिस वजह से ये बर्फ़ काफ़ी टाइम रहेगी, अभी तकरीबन एक हफ्ता तो और रहेगी। तो ऐसे नीचे नीचे ये देखिए वाइट ही दिखेगा आपको यहाँ पे भी। और यहाँ से जाता हूँ मैं ऊपर और ये गोबर जैसे यहाँ पे फैला दिया तो ये बर्फ़ को जल्दी गला देगा। और यहाँ से आगे अब हम मिलेगी धूप। अब ये देखिए कुछ बाइकर्स यहाँ पे आए हुए और ऊपर का रोड काफ़ी हद तक बहुत ख़राब है जिस वजह से इन्हें सजेशन नहीं दिया जाएगा कि ऊपर से जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें।